हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ कॉर्न भेल की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने नॉर्मल भेल बहुत बार खाई होगी, लेकिन कॉर्न भेल भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और ये बहुत ही न्यूट्रिटिव भी होती है। चलिए तो बातों में ज़्यादा वक्त न ख़राब करते हुए कॉर्न भेल की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम एक पैन गर्म करेंगे। अब इस पैन में हम एक कप भेल रोस्ट करेंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार स्टिर करते हुए ड्राई रोस्ट करना है। इसे स्टिर करते हुए तब तक रोस्ट करना है जब तक ये बढ़िया से क्रिस्पी ना हो जाए। तो अभी 2 मिनट हो चुके हैं और अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अच्छे से रोस्ट होने के बाद ये इस तरह से ईजिली क्रश हो जाती है। तो अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेम पैन में अब हम 2 छोटे चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 पिंच हींग। हींग से इस वेल में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और ये वेल डाइजेस्टिव भी हो जाती है। हींग ऐड करने के तुरंत बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज़ की फाइन चॉप की हुई प्याज और 1 मीडियम साइज़ की फाइन चॉप की हुई शिमला मिर्च। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और टमाटर से बीज और इसके जूस वाले पार्ट को मैंने हटा दिया है। 1 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। अब हाई फ्लेम पर इन सभी चीज़ों को सिर्फ 1 मिनट तक सोटे करना है। इन चीज़ों को हमें सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करना है, बस इनके मॉइस्चर को थोड़ा सा रिड्यूस करना है। सब्जियों को सोटे करते हुए करीब 1 मिनट हो चुका है। अब इनको हम साइड में कर देते हैं और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 कप उबली हुई कॉर्न। कॉर्न को मैंने 2 सीटी लगाकर उबाल लिया है। कॉर्न को उबालते समय मैंने इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक भी ऐड कर दिया था, ताकि नमक कॉर्न में अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। अब हाई फ्लेम पर ही कॉर्न को भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि हमने इसे उबाल कर लिया है, तो इस तरह से ड्राई रोस्ट करने से इसका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाएगा। कॉर्न को भी मैंने हाई फ्लेम पर ही 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इनको ठंडा करने के लिए अब हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये रेसिपी जितना इंस्टेंटली बनकर तैयार हो जाती है, खाने में उतना ही टेस्टी और न्यूट्रिटिव होती है। तो सभी चीज़ों को अभी हमें पूरी तरह से ठंडा करना है। करीब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। फ्रेंड्स, चाट मसाले में भी नमक होता है, इसीलिए अब हम नमक की क्वांटिटी कम रखेंगे। तो अब मैं ऐड करूंगी 1/2 छोटा चम्मच काला नमक और 1/4 छोटा चम्मच नॉर्मल नमक। नमक हम कॉर्न को उबालते समय भी ऐड कर चुके हैं, इसीलिए नमक की क्वांटिटी हमें कम रखनी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच धनिया की चटनी। चटनी की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसी स्टेज पर 1/2 लेमन का जूस ऐड करेंगे और एक बार फिर से इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप रोस्ट की हुई वेल और 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर ऐड करूँगी रोस्ट की हुई मूंगफली। मूंगफली की क्वांटिटी आप कम ही रखना, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और मूंगफली की तासीर गर्म होती है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 1/4 कप आलू सेब। इसमें से थोड़े हम बाद में ऐड करेंगे। अब सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉर्न भेल बनकर तैयार हो चुकी है। कॉर्न में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इस भेल में हमने सब्जियां भी ऐड की हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती है। लास्ट में बचे हुए सेब ऐड करके इसे तुरंत ही सर्व करना है। इसे तैयार करने के बाद रखना नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया कॉर्न भेल बनकर तैयार हो चुकी है। यदि आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।